हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल अपहरण मामले में सजा के बाद अतीक अहमद को एक बार फिर उमेश पाल हत्याकांड मामले में वापस उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। इस बार भी अतीक अहमद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसी रास्ते से लाया गया जिस रास्ते से पिछली बार उसे लाया गया था, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में जब ये काफिला गुजरा तो अतीक की हालत देखने वाली थी। जिस डॉन के खौफ से कभी ऊंची ऊंची कुर्सी वाले हिल जाया करते थे, वो आज जमीन पर लेटकर रातें काटने को मजबूर हो गया है। जी हाँ, जिस अतीक अहमद ने अपने कारनामों से दहशत का जो साम्राज्य बनाया था, उस अतीक अहमद की रातें अब गर्दिश में कट रही हैं। सुबह के समय अतीक अहमद को लेकर जब यूपी पुलिस मध्य प्रदेश शिवपुरी के सुरवाया थाने में रुकी, तब कैमरे में अतीक अहमद की वो हालत रिकॉर्ड हुई जो कभी देखी नहीं गई। अतीक को यहाँ पर गाड़ी रुकते ही नींद से जगाया गया, जहाँ पर अतीक अहमद गाड़ी की फ्लोर पर सीधा लेटा हुआ था। जैसे ही अतीक इस दौरान उठता है तो वो पहले तो अपनी मूछों पर ताव देता है और अतीक का वही अंदाज नजर आता है जिसके बारे में लोग कहा और सुना करते थे। अतीक अहमद नींद से जागकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मीडिया के कैमरों को देखता है और कई बातें कहता है। अतीक पहले तो उठते हुए मीडिया से ही कहता है कि आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों की वजह से हिफाजत है। शुक्रिया कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको? अतीक, आप लोगों की वजह से हिफाजत है। वहीं जब अतीक से पूछा जाता है कि उमेश पाल हत्याकांड में आपका नाम क्यों सामने आ रहा है, तो इस पर अतीक जवाब देता है कि ये सब साजिश है। तो पूछा जाता है कि आखिर कौन कर रहा है साजिश, तो अतीक कहता है कि विरोधियों की ये सब साजिश है। वहीं पर जब रात के समय राजस्थान के बूंदी जिले के डाबी थाने में कुछ देर के लिए अतीक का काफिला रुकता है, तो अतीक अहमद मीडिया के कैमरे पर कहता है कि सरकार ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और अब सरकार ने मिट्टी में तो मिला ही दिया है, अब उस मिट्टी में रगड़ा भी जा रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड, क्या कह रहे हैं, क्या कहना है उमेश पाल हत्याकांड, राजस्थान से जयकिशन की रिपोर्ट, यूपी तक।